ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आज फिर एक आपसे विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पहले निवेदन करूँ कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए अच्छा लगता है मेरा वीडियो, समझ में आता है, काम का है तो लाइक तो करें, दो अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। और देखिए आप मेरे इस प्रोग्राम को चंद्र राशि के आधार पर देखें, चंद्र राशि नहीं मालूम लग्न राशि मालूम है लग्न राशि से देखें, और दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि के हिसाब से भी देखें, कुछ ना कुछ परसेंट नाम राशि से भी सही बैठेगा। लेकिन आपको अपने बारे में सटीक जानना है तो गोचर से पहले अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, उसके बाद गोचर को देखिए, क्यों खाली गोचर का तो सबका एक साथ है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि पहले अपनी जन्म कुंडली को दिखा करके किसी योग विद्वान पंडित से फिर आप गोचर को देखिए। और देखिए जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों अभी मैं इस समय क्या चर्चा कर रहा हूँ, देखिए अभी जो है 27 नवंबर को क्या हो रहा है, देखिए 27 नवंबर को पूर्णमासी है, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु अति प्रसन्न है, माता लक्ष्मी उनके साथ साथ अति प्रसन्न है। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, जाहिर है। और देखिए 27 तारीख को ही क्या है, बुद्ध देव जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसी दिन बुद्ध देव युवराज बुद्ध 27 नवंबर को ही अपनी राशि परिवर्तन करके, यानी वृश्चिक राशि में है इस समय, तो वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जा रहे हैं। तो धनु राशि में बुद्ध देव का परिवर्तन होना, 27 तारीख को पूर्णमासी होना, भगवान विष्णु की कृपा होना और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलना, तो देखिए कुछ राशियां तो बहुत भाग्यशाली होंगी जो कि माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु की विशेष कृपा से लाभ पाएंगी, धन पाएंगी, सुख पाएंगी, सब कुछ पाएंगी। तो देखिए उन राशियों की मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, वो राशियां कौन सी हैं जो भगवान विष्णु की कृपा पाएंगी। और बुद्ध देव देखिए, बुद्ध देव जो है राशि बदल करके धनु राशि में जब आ जाएंगे तो सबसे पहले देखिए आती है राशि नंबर 1 कौन सी, मेष राशि, जो कि आजकल और आगे भी देखिए स्वर्ण काल जिसका चल रहा है। तो मेष राशि के लिए भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा देखिए होती है बृहस्पति पर, बृहस्पति कृपा करते हैं, बृहस्पति तो मेष राशि के लग्न में ही है और बृहस्पति की दृष्टि जो है जबरदस्त है। देखिए लग्न में बैठ करके जातक को मोर धार्मिक तो बनाएंगे बनाएंगे, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा, माता लक्ष्मी की पूजा करेगा तो और कृपा होगी। और देखिए बृहस्पति देव लग्न में बैठ करके पहले भाव में बैठ करके 3, 5, 7, 9 को देख रहेंगे, तीन दृष्टियाँ उनकी होंगी, तो 5, 7, 9 और नवमी में जो दृष्टि होगी वो बुध 27 तारीख को आ जाएंगे वहाँ पर, कहाँ पर, धनु राशि में। तो बृहस्पति देव भगवान बृहस्पति यानी गुरु बृहस्पति की दृष्टि बुद्ध के ऊपर पड़ेगी, बुद्ध युवराज, युवराज बुद्ध पर। और देखिए बुद्धि विद्या विकास से आप जो काम करेंगे, बुद्धि संधान से काम करेंगे उसमें विशेष सफलता मिलेगी। तो मेष राशि तो बहुत नंबर बना रही है, क्यों, क्यों भाग्य विधाता बृहस्पति, भाग्य विधाता बुद्ध, बुद्ध पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आपके सारे काम जिसमें आप बुद्धि से और देखिए विवेक से काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो रही हैं, अति प्रसन्न होकर के आपको व्यापार में तरक्की देंगी, अति प्रसन्न होकर आपको माता लक्ष्मी धन देंगी, माता लक्ष्मी देखिए दाम्पत्य जीवन सुखी बनाएंगी, माता लक्ष्मी संतान को सुख देंगी और आपका भाग्य वर्धन करेंगी। तो भाग्य वर्धन होकर के देखिए बहुत कृपा मिलेगी, धन धान्य मिलेगा। तो सबसे पहली राशि मैं बता रहा हूँ मेष राशि के लिए, ये माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो गई। और बुद्ध देव तो 27 तारीख से लेकर आगे तक जाएंगे, देखिए दिसंबर तक रहेंगे वहाँ पर, तो ये विशेष कृपा मिल रही है।
शुरू होगी कृपा 27 तारीख को पूर्णमासी को कार्तिक पूर्णिमा को, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी बुध में पड़ रही होगी। और दूसरी राशि जो विशेष कृपा पाएगी माता लक्ष्मी की और भगवान देखिए विष्णु की और नहीं बृहस्पति देव की और बुध की, वो राशि देखिए वृषभ है। वृषभ राशि के लिए देखिए बुध जो है आगे कहाँ पर अष्टम भाव में, और अष्टम भाव से बुध देखेंगे धन भाव को, तो बैठे अष्टम भाव में जरूर हैं, तो वहाँ पर आपको धन मिलेगा, शेयर मार्केट से मिलेगा, लॉटरी से मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी। लेकिन बुध की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, वृषभ राशि के दूसरे धन भाव पर पड़ रही है। और देखिए धन भाव में बुध की अपनी राशि है मिथुन राशि, क्योंकि वृषभ राशि के लिए वृषभ राशि जब लग्न में आती है तो मिथुन राशि धन भाव में आ गई, और बुध की दृष्टि जो है अष्टम से देखिए धनु राशि से पड़ेगी। तो अपनी राशि को ही बुध धन भाव में देख रहे हैं, भाई धन तो देंगे ही देंगे, अपनी राशि को धन नहीं देंगे। और बृहस्पति की तो वैसे ही दृष्टि पड़ेगी इन पर, बृहस्पति जो है हालांकि बृहस्पति विदेश भाव में होंगे तो, और खर्चे का भाव भी है तो खर्चा तो होगा, लेकिन खर्चा विदेश यात्राओं में होगा, खर्चा देखिए और विदेश से लाभ भी होगा। तो मैं तो समझता हूँ वृषभ राशि के लिए खाली धन भाव में बुध की राशि बैठना, बुध की दृष्टि पड़ना पूर्णमासी के दिन से ही, आगे रहेगा 28 दिसंबर तक बुध यहाँ रहेंगे। लेकिन शुभ माता लक्ष्मी की कृपा हो गई कब से, 27 तारीख को पूर्णमासी को, कार्तिक पूर्णिमा को ही ये अच्छा वक्त आ गया कि बुध भी अपने स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और पूर्णमासी भी है। तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और इन सब की बुध की बृहस्पति कृपा मिल रही है वृषभ राशि को, और वृषभ राशि भी खुश धन धान से परिपूर्ण, धन मिलेगा, सुख मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा। और देखिए बृहस्पति की अगर दृष्टियाँ देखेंगे आप इनके लिए, तो बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 चौथे भाव को देखेंगे जी। तो चौथा भाव क्या होता है, चौथा भाव सुख का भाव है, सुख स्थान, तो सुख मिलेगा, सुख साधन की वृद्धि होगी। 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 सातवीं और नवीं दृष्टि जो है, नवीं दृष्टि बुध में पड़ेगी खुद, और सातवीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में, तो आपके रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। और छठे भाव में देखिए तुला राशि है, और तुला राशि में सूर्य भी आ जाएंगे 30 तारीख को आएंगे पर, तो लेकिन शुरुआत तो बुध के स्थान परिवर्तन से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से पूर्णमासी को होगी। पूर्णमासी को धनलक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ, चूंकि पूर्णमासी है, चंद्रमा का पूर्ण चंद्रमा है, चंद्रमा जो है आपके माता लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट हुए हैं, तो भाई उस तरह से भाई कहते हैं, समुद्र के दोनों ही समुद्र से पैदा हुए हैं। तो चंद्रमा की पूर्णमासी के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु विशेष कृपा देते हैं जो कि वृषभ राशि को मिल रही है। और देखिए तीसरी राशि जो कि बहुत लाभ पाएगी वो मैं समझता हूँ मिथुन राशि है। मिथुन राशि खुद बुध की राशि है, और मिथुन राशि जब लग्न में आ गई नंबर 3 राशि, तो फिर बुध आ गए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सप्तम भाव में परिवार अच्छा रहेगा, सप्तम भाव में व्यापार अच्छा रहेगा। और देखिए लग्न पर दृष्टि पड़ेगी बुध की, तो लग्न यानी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक का शरीर अच्छा रहेगा। और बृहस्पति देव जो है लाभ भाव से यानी 11वें भाव से धन की बारिश करेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पर, अपनी राशि पर ही, तो सप्तम को भी लाभ देंगे। तो मैं समझता हूँ पूर्णमासी से शुरू हो गया, 27 तारीख से शुरू हो गया बुध के स्थानांतरण से ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा पूर्णमासी को मिल गई मिथुन राशि को। मिथुन राशि वालों आप भी देखिए बहुत अच्छा धन कमाएंगे, धन तो कमाएंगे क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, लाभ का मतलब धन ही होता है। और सप्तम भाव में व्यापार में धनु राशि है जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर, बुध व्यापार के, व्यापार से धन दिलाते हैं, तो व्यापार और बुद्धि विवेक से काम करने वाले बृहस्पति की दृष्टि है, तो बहुत ज़बरदस्त योग बनना देखिए मिथुन राशि के लिए भी। और अग्नि राशि जो कि 27 तारीख को पूर्णमासी से ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाएगी,
विष्णु भगवान की विशेष कृपा पाएगी, बृहस्पति और बुद्ध की कृपा पाएगी। वो देखिए अगली राशि मैं समझता हूँ वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए देखिए कैसा संयोग बन गया कि सिंह राशि के लिए जो बृहस्पति आ गए वो भाग्य भाव में आ गए। भाग्य भाव से बृहस्पति बैठ गए और भाग्य भाव से बृहस्पति ने देखिए बैठ करके नमा यानी अपनी राशि धनु राशि को पंचम भाव में, पंचम भाव में धनु राशि गई, संतान को लाभ मिला, संतान की शिक्षा में लाभ मिला और वहाँ बुद्ध भी आ गए। देखिए बुद्ध बृहस्पति की, बृहस्पति की दृष्टि नवम बुद्ध में पड़ रही है, बुद्ध पंचम भाव में है और बुद्ध ग्यारहवें भाव को देख रहे हैं जहाँ मिथुन राशि है। कितना बढ़िया संयोग बन रहा है, ग्यारहवें भाव में लाभ भाव में धन की बारिश और बुद्ध की दृष्टि अपनी राशि में पड़ेगी। तो मैं तो समझता हूँ भाई सिंह राशि के लिए ये जो टाइम है 27 तारीख से शुरू हो रहा है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिल रही है, भगवान विष्णु की कृपा मिल रही है क्योंकि बुद्ध जो है पंचम भाव में आ गए। संतान को अच्छा होगा, संतान अच्छी परीक्षाओं में या संतान अच्छा काम करेगा, जहाँ भी संतान होगी वहाँ अच्छा काम होगा सिंह राशि वालों के लिए। और शिक्षा में परीक्षा में सभी में लाभ मिलेगा, प्रेम प्रसंग कोई है उसमें सफलता मिलेगी और दृष्टि देखिए बुद्ध की पड़ रही है अपनी राशि पर, मिथुन पर, ग्यारहवें भाव में तो लाभ ही लाभ यानी पैसा ही पैसा मिलेगा। और बृहस्पति खुद भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठकर बृहस्पति भाग्य तो आसमान को ले जाएंगे। तो वही 27 तारीख पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिल रही है। और देखिए सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर और ज़्यादा कृपा पानी है तो माता लक्ष्मी की यानी शुक्रवार को माता लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी की पूजा कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए तो भगवान विष्णु तो माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे आप, भगवान विष्णु तो खुद ही खुश हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ देखिए ये जो राशि मेष वृषभ मिथुन सिंह चार हो गई और पांचवी राशि देखिए कन्या राशि। कन्या राशि के लिए क्या होगा भाई, कन्या राशि नंबर 6 राशि लग्न में आती है और देखिए नवी राशि यानी बुध धनु राशि जो है चौथे भाव में आ जाएगी और बृहस्पति जो है जरूर अष्टम में बैठेंगे। अष्टम में बैठकर बृहस्पति धन भाव को देखेंगे, धन भाव को बृहस्पति देखेंगे और सुख भाव को बुद्ध पर दृष्टि पड़ेगी और मिथुन राशि बैठेगी सम्मुख सप्तम भाव में यानी कर्म क्षेत्र में। तो वही कन्या राशि के लिए कर्म क्षेत्र में बहुत तरक्की का मिथुन राशि है और बुद्ध खुद देख रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में नौकरी में तरक्की, पैसा ज़्यादा, अच्छी नौकरी, नौकरी में स्थानांतरण होगा तो अच्छी तनख्वाह से। तो बुद्ध की दृष्टि अपनी राशि पर, बृहस्पति और धन भाव पर और बृहस्पति की दृष्टि भी अपनी राशि पर, कमाल है। बुद्ध नम में बुद्ध धनु राशि में बैठकर मिथुन राशि को देख रहे हैं और बृहस्पति जो है मेष राशि में बैठकर धनु राशि को देख रहे हैं, बुद्ध को देख रहे हैं। तो 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिंह राशि का भी बड़ा अच्छा भाग्य वर्धन हो रहा है, सिंह राशि नहीं कन्या राशि, कन्या राशि का भी देखिए अच्छा लाभ मिल रहा है। कहाँ पर, कर्म क्षेत्र में, सुख भाव में, सुख साधनों की कमी नहीं रहेगी, कोई चीज़ कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी पूरी आपको, जो सुख साधन है वो सब बराबर। तो मैं समझता हूँ 27 तारीख पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने वाली राशि यानी कन्या राशि भी है और अगली राशि जो विशेष कृपा पाएगी वो देखिए धनु राशि है। धनु राशि तो नंबर 9 खुद लग्न में आ गई, लग्न में धनु राशि आ गई, बुध बैठ गए वहाँ करके और देखिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो पंचम भाव में बैठेंगे यानी पंचम भाव में जो है मेष राशि होगी तो मेष राशि पंचम भाव बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर। लग्न पर बुद्ध बैठे हुए हैं, युवराज बुद्ध आ गए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी क्योंकि बृहस्पति, बृहस्पति प्रतीक हैं भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु की आराधना करनी है तो बृहस्पति को, बृहस्पति को करिए, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की करनी है तो शुक्रवार को कीजिए। तो देखिए आप दोनों को खुश कर सकते हैं, बृहस्पति को भी शुक्र को भी कर लें आप, क्या भगवान विष्णु की पूजा कर लें। तो देखिए बुध जो है लग्न में बैठ करके यानी बृहस्पति की धनु राशि में और बृहस्पति की दृष्टि गजब का मतलब संयोग बन रहा है और बृहस्पति बैठे हैं पंचम भाव में, पंचम भाव से बृहस्पति देखिए ग्यारहवें भाव को भी देखेंगे सातवीं दृष्टि से और लग्न को देखेंगे नवीं दृष्टि से और पंचम का मतलब भाग्य भाव को देखेंगे। तो बृहस्पति जो है पंचम भाव से बैठकर
नवम को भाव को भाग्य भाव को देखेंगे और देखिए आगे ग्यारहवें भाव को देखेंगे और पहले भाव को, यानी लाभ लेंगे लग्न पर दृष्टि तो जातक ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान करने वाला, धार्मिक नेचर, शरीर सुंदर स्वस्थ आकर्षक एक्टिव, और भाग्य पर दृष्टि गई तो भाग्यवर्धन हो गया। तो भाई ये तो मैं समझता हूँ धनु राशि का विशेष ये दिन है, माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की और बुद्ध और बृहस्पति दोनों की कृपा मिल रही है विशेष। तो ये 27 तारीख को तो है ही, और 27 तारीख से आगे तक जब तक बुद्ध रहेंगे वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती रहेगी, यानी 28 दिसंबर तक बहुत ज़बरदस्त योग शुरू हो गया 27 नवंबर से। तो अगली राशि देखिए और जो लाभ पाएगी देखिए वो है मकर। मकर राशि के लिए नंबर 10 राशि जो लग्न में आ गई, और देखिए तो फिर पहली राशि मेष राशि चौथे भाव में, बृहस्पति चौथे भाव में यानी सुख भाव में, तो मकर राशि को सारे सुख साधन, सारे जो भी सुख जिससे मिल सकता है, कहीं घूमना फिरना है, मकान गाड़ी बंगला जो कुछ भी है जिससे सुख मिलता है, सब साधन मकर राशि को मुहैया हो जाएंगे। और बृहस्पति देखिए अपने जो है सप्तम दृष्टि डालेंगे सामने बिल्कुल सप्तम भाव में जो है चाह, तो वहाँ 30 तारीख से शुक्र आ जाएंगे वहाँ पर मेष राशि के तुला राशि में आ जाएंगे, अभी अभी नहीं है लेकिन 30 तारीख से आ जाएंगे। तो शुक्र भी बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे, बृहस्पति शुक्र पर यानी चौथे भाव से दसवें भाव पर। और अभी देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बृहस्पति तो देखिए चौथे भाव में है, नवी राशि धनु राशि जो है वो 12वें भाव में है, तो 12वें भाव का मतलब विदेश भाव से दृष्टि पड़ेगी, विदेश भाव में बुध आ गए तो विदेश से लाभ, ऐसी राशि को जो है यानी मकर राशि को जो है बृहस्पति देख रहे हैं चौथे भाव में सुख साधन दे रहे हैं, सप्ताह और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र में, प्लस विदेश भाव में दृष्टि पड़ रही है। विदेश भाव का मतलब विदेश से कोई काम, विदेश जाना मकर राशि को हो सकता है, विदेश में व्यापार है तो तरक्की मिलेगी, नौकरी है तो तरक्की मिलेगी। तो मकर राशि को भी 27 तारीख से जब से बुध जो है धनु राशि में आएंगे और देखिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा पड़ेगी, और मकर राशि को भी बड़ा अच्छा सुख सुख मिलेगा, सुख साधनों का विकास होगा और कर्म क्षेत्र में व्यापार में सब में तरक्की मिलेगी, ये बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए अगली राशि या मैं कहूँगा आखिरी राशि समझ लीजिए, आखिरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि नंबर 11 राशि, 11 राशि जहाँ शनि बैठे हुए हैं, शनि की हम चर्चा इस समय नहीं कर रहे लेकिन 12, 11, 11 बृहस्पति जो बैठे हैं तीसरे भाव में, तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और तीसरे भाव से पराक्रम परिश्रम कराएंगे, लाभ कराएंगे, यात्राओं से लाभ कराएंगे, भाई बहनों से लाभ कराएंगे, पर बृहस्पति की जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं उनको देखिए आप, बृहस्पति की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव में, 6, 7 नवम भाव में, 8, 9 पाँचवें में, 7वें में और 11वें में, 5वें में सॉरी 7वें में, 9वें में और 11वें में। तो 7वां भाव दाम्पत्य जीवन, 7वां भाव व्यापार का, 9वां भाव भाग्य का, और देखिए 11वां भाव लाभ का। तो बृहस्पति की दृष्टियाँ, तीनों दृष्टियाँ भगवान विष्णु की दृष्टि मान लीजिए, बृहस्पति की दृष्टि मीन्स भगवान विष्णु की दृष्टि और माता लक्ष्मी की दृष्टि। तो पूर्णमासी को दिन 27 नवंबर को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से बृहस्पति जो है तीसरे भाव में बैठ करके और वहाँ से 7वें भाव को, 9वें भाव को और 11वें भाव को देखेंगे, अपार धन दिलाएंगे, भाग्य वर्धन करेंगे, संतान दाम्पत्य जीवन अच्छा करेंगे। और देखिए बुद्ध जो है 11वें भाव में बैठ गए लाभ भाव में, तो लाभ भाव में बैठे हुए बुद्ध जो लाभ तो देंगे, यानी व्यापार से लाभ देंगे, नौकरी से लाभ देंगे, लाभ का मतलब भाई पैसा ही होता है, धन आएगा। तो ये देखिए कुंभ राशि भी बहुत ज़बरदस्त धन पा रही है। तो मैं समझता हूँ 27 नवंबर से और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये जो राशियाँ मैंने बताई, अब उनको समराइज कर दूँ, देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर और कुंभ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राशियाँ हैं भाई, 8 राशियाँ हैं जो कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा पा रही हैं 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा से, और आगे तक रहेगा टाइम है,
तो मित्रों ये बहुत जबरदस्त योग है। आप देखिए आठ राशियों वाले अपने अपने कमेंट्स में महा गणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश के आशीर्वाद पाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम करें। तो मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ।